नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नंदनवन में 75 वर्षीय वृद्ध महिला की घर में घुसकर हत्या, पुलिस आयुक्त भी घटनास्थल पर पहुंचे, आरोपी की तलाश जारी। भंडारा में जमीन के विवाद में लाठी से वार कर उपसरपंच की हत्या, भंडारा के दौड़ीपार की घटना, 6 आरोपी गिरफ्तार। और नागपुर में 2 आरोपियों ने बार में तोड़फोड़ करने के बाद सामान को लगा दिया आग, अंबाजरी थाना क्षेत्र के एक बार में घटना, आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नंदनवन परिसर में शनिवार की शाम घर में घुसकर एक वृद्ध महिला की हत्या की गई। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। हत्यारे ने घर में घुसने के बाद जेवर सहित अन्य कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या साजिश के तहत की गई है। जिस महिला की हत्या की गई उसका नाम 75 वर्षीय न्यू नंदन निवासी देवकाबाई जीवनदास बोबड़े बताया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवकाबाई मेडिकल कॉलेज से वैद्यकीय अधिकारी पद से निवृत्त हुई थी। गायत्री कॉन्वेंट के पीछे महिला का बड़ा मकान है। तल मंजिले पर वह अपने पति जीवनदास के साथ रहती थी। इसी घर में बेटी और दामाद भी रहते हैं। दिन भर दोनों घर पर ही थे। शाम के वक्त बेटी नीचे आई, तब देखा कि माँ खून से लथपथ हालत में पड़ी है। बेटी ने अपने माँ को बचाने के लिए रक्त बहने वाली जगह पर पट्टी बांधी। घटना की जानकारी तुरंत नंदनवन पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और जॉइंट सीपी आश्विति दोरजे भी घटनास्थल पर पहुंचे। पहले लगा कि लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन देवकी के गले का मंगलसूत्र सहित सारे आभूषण सही सलामत थे। फॉरेंसिक जांच टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस को संदेह है कि घर की पूरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर में कोई हथियार पुलिस को नहीं मिला है। शहर में बियर बारों में अक्सर मारपीट और लूटपाट की घटनाएं सामने आती है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से बार संचालक परेशान हो गए हैं। इसी तरह की एक घटना अंबाजरी थाना क्षेत्र में सामने आई, जहां 2 युवकों ने पहले तो शराब पी, इसके बाद वेटर के साथ मारपीट करते हुए पेट्रोल से सामान पर आग लगा दी। पुलिस ने बार संचालक अनिल वसंत कुमार बेथरिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों के नाम तेलंगखेड़ी निवासी असलम कलाम शेख और रहीम शरीफ शेख बताया गया। आरोपियों ने इससे पहले भी बार में जाकर अपनी धौंस जमाई है, इसी वजह से बार संचालक परेशान थे। शाम के वक्त बार में आने के बाद दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करके टेबल कुर्सी उठाकर फेंक दिया। बार के स्टाफ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो धमकाने लगे। काउंटर पर रखे कंप्यूटर, सीपीओ और बियर की पेटी जमीन पर गिराकर तोड़ दी। इसी दौरान एक आरोपी ने अपनी जेब से पेट्रोल की बोतल निकाल ली, सामान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। स्टाफ ने समय रहते आग बुझा दी, वरना पूरा बार जल जाता। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही अंबाजरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया। इधर रविनगर चौकाच्या बाजूला उडुपी बार आहे, त्यांच्या मालकाने काल फिर्याद दिली की असलम कलाम शेख वय 35 राहणार रामनगर आणि रहीम शरीफ शेख वय सुमारे 33 राहणार रामनगर यांनी ते तिथं आले 4:30 वाजता आणि त्यांनी खुर्च्या आणि टेबल फेकाफेक केली आणि जाताना पेट्रोलची बाटली काढून पेट्रोल शिडकलं आणि आग लावली असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्या आगीमध्ये काही कोणाचं जीवितहानीचा प्रश्न नाही, वित्तहानीसुद्धा खूप जास्त झालेलं नाही, फक्त तिथे टेबल थोडंसं भडका उडल्याचं दिसतं आहे तिथं। मात्र घटनेनंतर आम्ही तात्काळ आरोपितांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड पाहिलं। असलम शेखवर 2016 3 गुन्हे दाखल आहेत, चोरीचा आहे 294 आहे आणि आर्म्स ॲक्ट आहे, तलवार दाखवून दम देणं आणि एक गर्दी केल्याचा पण आहे, अफरेचा गुन्हा आहे आणि 2020 त्याच्यावर 427 आणि 323, 504, 506 अशी वेगळा करणं आणि दरवाजावर दगड मारून फेकणं असा गुन्हा दाखल आहे। त्याच्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली होती CRPC 110 ई प्रमाणे।
2 वर्षाचा फायनल बॉन्ड घेण्यात आला होता. आणि दुसरा जो गुन्हेगार आहे रहीम शरीफ शेख, याच्याविरुद्ध एक गँगरेपचा विथ ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा दाखल आहे आणि त्याच्यामध्ये ती केस चालू आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा 2 वर्षाचा CRPC 110 ईगामध्ये फायनल बॉन्ड प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन ऑलरेडी करण्यात आलेली होती. घटनेच्या वेळेस हे गुन्हेगार तिथं गेले आणि यांनी दारू वगैरे मागितली. त्यांचं म्हणणं असं आहे की दारू जे काय असेल प्रिव्हियस एनमिटी कदाचित असू शकते, रेकॉर्ड तर काही नाही, बट वी हॅव ऑलरेडी टेकन सुटेबल प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन अगेन्स्ट देम बिफोर हँड. आणि त्याच्यानंतर यांनी काही गुन्हा वगैरे केलेला नव्हता, पण कालच्या घटनेनंतर ते फरार झाले. आम्ही तात्काळ सदरची गोष्ट वरिष्ठांना सांगितली. आमचे पोलीस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, रिजन श्री रेड्डी सर, आमच्या DCP श्रीमती विनीता साहू मॅडम, ACP श्रीमती जाधव मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आणि आमचे PSI केंद्रे आशिष कोहळे, अंकुश आणि यांची आमची जी DB टीम होती, आम्ही त्यांचं लोकेशन घेतलं, करंट लोकेशन, आणि तिथून ते एक ठिकाणी मिळाले आम्हाला सम 25-30. विदर्भ के भंडारा जिले में जमीन के विवाद को लेकर शुक्रवार की रात को उपसरपंच दिनेश बांते की लाठी से मारकर हत्या कर दी गई. घटना शहर से सटे दौड़ीपार में हुई. इस मामले में दौड़ीपार के पूर्व पुलिस पाटिल और उसके 5 बेटों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में पूर्व पुलिस पाटिल को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक दिनेश बांते और मदन मते के बीच कुछ दिनों से जमीन को लेकर विवाद जारी था. घटना के दिन दोनों में फिर विवाद हुआ. इसमें दिनेश के सिर पर लाठी से वार करने के वह लहूलुहान हो गया. तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाने पर जांच कर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आरोपियों में पूर्व पुलिस पाटिल मदन मते, मारुति मते, श्रीपति मते, दुर्गेश्वर मते, संजय मते और नीलम मते सभी दौड़ीपार शामिल है. इस वारदात की जानकारी मिलते ही भंडारा के थानेदार सुभाष बार से सदल भर मौके पर पहुंचे और सभी आरोपियों को रात में ही गिरफ्त में कर लिया गया. काल जी घटना घडलेली आहे दौडीपार येथे, यामध्ये जे फिर्यादी आहेत महेश बांते आणि यातले जे आरोपी आहेत मदन मते व त्यांचे मुलं यांच्यामध्ये फार पूर्वीपासून जागेचा वाद सुरू आहे. गावामध्ये त्यांचे एकमेकाला लागून घरं आहेत आणि त्या जागेचा वाद पूर्वीपासून सुरू आहे. त्या कारणामुळे काल यांचे भांडणं झाले आणि या भांडणातूनच जे आरोपी आहेत मदन मते, मारुती मते, श्रीपती मते, दुर्गेश मते, संजय मते, नीलम मते यांनी हाताबुक्यांनी व लाकडी बल्लीने फिर्यादी महेश बांते व त्यांचा भाऊ दिनेश बांते यांना मारहाण केली आणि या मारहाणीमुळे दिनेश इस्तारी बांते वय 40 वर्ष राहणार दौडीपार यांचा मृत्यू झालेला आहे. आणि या प्रकरणातून पोलीस स्टेशन भंडारा येथे कलम 302, 307 या कलमाप्रमाणे गुन्हा नोंद आहे. आरोपी रात्री अटक करण्यात आलेले आहे. हाईवे पर ढाबों के सामने शाम के बाद ट्रकों की कतार लगती है. सड़क पर अंधेरा होने से कई बार वाहन चालकों को दूर से ट्रक दिखाई नहीं देते जिससे दुर्घटनाएं होती है. इसी तरह की एक घटना केलोत पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली परसोड़ी गांव के पास हुई. ढाबे के सामने खराब स्थिति में खड़े ट्रक से रात के समय बाइक टकरा गई. इसमें बाइक चालक की मौत हो गई. प्राप्त जानकारी अनुसार केलोत के परसोड़ी गांव के मुख्य सड़क किनारे कुछ ढाबे संचालित हैं. यहां पर शाम होते ही ट्रक चालक खाना खाने के लिए रुकते हैं. इन ट्रकों की वजह से अक्सर सड़क पर यातायात बाधित होता है. रात के वक्त केलोत निवासी प्रकाश मदनकर सावनेर से केलोत अपने घर लौट रहे थे. प्रकाश की सावनेर में जेरोक्स की दुकान है. उसे बंद करके जब वे लौट रहे थे तो परसोड़ी के ढाबे के पास बंद अवस्था में खड़े ट्रक से प्रकाश की बाइक जा भिड़ी. रात का अंधेरा और ट्रक के आसपास न तो पत्थर लगाए गए थे और न ही कोई चिन्हित वस्तु रखी गई जिससे ट्रक दिखाई दे, जिससे यह हादसा हो गया. बाइक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रकाश को उठाकर समीप के सावनेर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. पुलिस को सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर ट्रक को जब्त कर उसे थाने में लाया गया. ट्रक चालक तमिलनाडु का बताया जा रहा है. शनिवार को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर,
मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर में विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। 10 दिसंबर को मतदान होगा, इसके लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है। मतदान के लिए जिले भर में कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों में नागपुर शहर के भीतर 2 और बाकी के केंद्र ग्रामीण भागों में होंगे। विधान परिषद की नागपुर सीट के चुनाव के निरीक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे ने चुनाव तैयारी के संदर्भ में समीक्षा बैठक ली। प्रचार से लेकर मतदान तक सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। नागपुर शहर में उपविभागीय कार्यालय परिसर के तहसील कार्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया है। वही ग्रामीण भागों में नागपुर ग्रामीण तहसील कार्यालय नरखेड़, काटोल, सावनेर, रामटेक, कामटी, कलमेश्वर, उमरेड, मौदा और पार्शोनी तहसील कार्यालय और कन्हान पिंपरी, बुटीबोरी और वानाडोंगरी नगर परिषद कार्यालय में खोली क्रमांक 1 में मतदान केंद्र होगा। उम्मीदवारों को खर्च का निर्धारित नमूने में नियमित हिसाब पेश करना होगा। इस दौरान चुनाव के दिन मतदान केंद्रों में पुलिस बंदोबस्त की तैयारी की समीक्षा भी की गई है। बैठक में आला अधिकारियों के साथ ही उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। विधायक प्रवीण डटके ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगने वाले मंत्रियों को संरक्षण देने और किसान, एसटी कर्मचारी, एमपीएससी के उम्मीदवारों सहित अनेक समाज घटकों के न्याय की मांग पर दुर्लक्ष करने वाली आघाड़ी सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। शनिवार को आयोजित पत्र परिषद में विधायक प्रवीण डटके ने बताया कि भ्रष्ट मंत्रियों का बोझ ढोने वाली बेपरवाह आघाड़ी सरकार है। गृह मंत्री पद पर रहते हुए 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। एक युवती की आत्महत्या के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें मंत्री की गाड़ी छीन ली गई। परिवहन मंत्री की भी जांच शुरू है। उप मुख्यमंत्री से संबंधित व्यक्ति, संस्थाओं की आयकर विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। समाज कल्याण मंत्री पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ को एक युवक से मारपीट प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने अपने उम्मीदवार अर्ज में संपत्ति की जानकारी छिपाई। इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। विधायक डटके ने कहा कि वसूली पर ध्यान देने वाली सरकार किसान, एसटी कर्मचारी, एमपीएससी, स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रही है। एसटी के कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण किसानों को नुकसान सहन करना पड़ा है। किसान इस उम्मीद में है कि उन्हें नुकसान भरपाई मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने मानवता नहीं दिखाई। समाज के अनेक घटकों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को न्याय देने की बजाय अपनी लापरवाही में ही सरकार मस्त है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पीबी गुघे ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोरोना काल में हालात बिगड़ने के बाद इंजेक्शन की कालाबाजारी भी बढ़ गई थी, उसी वक्त उद्घटना सामने आई थी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने जिन दोषियों को सजा सुनाई है उनमें तुकड़ोजी चौक निवासी अनिकेत मोरेश्वर नंदेश्वर, न्यू सुबेदार लेआउट निवासी अभिलाष देवराव पेटकर और सिरसपेट निवासी सुमित सुखदेवराव मनोहरे का समावेश है। सुमित की पत्नी रानी मनोहरे को न्यायालय ने बरी कर दिया है। 20 अप्रैल 2021 को पुलिस ने भावेश बिसिकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। भावेश आयुर्वेदिक लेआउट में स्थित कोविड अस्पताल के अकाउंटेंट थे। एक मरीज को डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख कर दिया था। कहीं भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा था। किसी तरह रिश्तेदारों ने आरोपियों से संपर्क किया और 28,000 रुपए इंजेक्शन खरीद कर अस्पताल को दे दिया। डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाते समय देखा कि सील टूटी हुई है। जो इंजेक्शन दिया जा रहा था वह नकली निकला। मामला दर्ज कर पुलिस ने अनिकेत और अभिलाष को गिरफ्तार किया।
उनकी जानकारी पर सुमित को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। नागपुर शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था हमेशा जटिल और असंतोषजनक रही है। ऐसे में ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक हो जाता है। उस तुलना में व्यवस्थाएं बहुत कम है। अधिकतर चौकों पर जाम रहता है, जिसके कारण थोड़ी सी भी दूरी बहुत लंबी लगने लगती है। सड़कें भी टूट फूट गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के मार्गदर्शन में व राष्ट्रवादी कांग्रेस के मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने यातायात पुलिस उपायुक्त सारंग आवाड को एक ज्ञापन सौंपा है। पुलिस उपायुक्त से चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि यातायात जाम शहर की मुख्य समस्याओं में से एक है। लोग परेशान हैं और ट्रैफिक पुलिस केवल खाना पूर्ति कर टाइम पास कर रही है। इसका मुख्य कारण अवैध पार्किंग व नियमों के उलट भारी वाहनों का दिन में बाजार में घुसना है। ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी ने नियम लागू किया है, जिसके तहत सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बड़े व कमर्शियल वाहन शहर में दाखिल नहीं हो सकते। इन वाहनों के घुसने से ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस चौराहों में खड़ी सारा तमाशा देखती रहती है। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी समस्या का निवारण करने के बजाय चालान काटने में व्यस्त रहते हैं। शहर के सबसे व्यस्त इतवारा क्षेत्र में सारा दिन जाम की स्थिति रहती है। वन वे पॉलिसी को दरकिनार कर जिसका जहां जाने का दिल करता है वह वही वाहन लेकर निकल पड़ता है और नतीजा ट्रैफिक जाम हो जाता है। यह एकमात्र चौक नहीं है, इसके अलावा सीताबर्डी, महल, गांधीबाग आदि क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी ना होने से घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। मोमिनपुरा क्षेत्र में तो 2400 घंटे में से 14 घंटे यातायात जाम रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रात के 12 बजे भी ट्रैफिक जाम होता है। पूरे मार्केट में दिन भर ट्रैफिक जाम होने पर भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कभी यहाँ नहीं रहते और ना ही अपना फर्ज समझते हैं। यही नहीं, यहाँ आने जाने वाले लोग भी वाहनों को बीच सड़क खड़े करके शॉपिंग करने चले जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं। ट्रैफिक जाम होने का एक बड़ा कारण यह भी है। शहर की बिगड़ी ट्रैफिक की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की गई। हालांकि सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अफ्रीकी देशों में फैले कोरोना के नए वेरियंट को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर से सरकार द्वारा शुल्क, बस, वैन सहित अनेक विषयों पर दिशा निर्देश नहीं दिए जाने से पालकों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। राज्य भर में 1 दिसंबर से एक बार फिर सभी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अनेक पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को भी तैयार है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में कितनी राहत दी जाएगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। बस और वैन को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इस हालात में बच्चों को स्कूल कैसे छोड़े यह भी समस्या बनी रहेगी। फिलहाल 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू है। बच्चे बड़े होने से साइकिल या अन्य साधन से जा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी के बच्चों के लिए वैन या बस आवश्यक होती है। जिन पालकों के 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेकर आना किसी कसरत से कम नहीं। पालकों का कहना है कि सरकार द्वारा सभी तरह के परिवहन को मंजूरी दे दी गई है। इस हालत में स्कूल बस और वैन से ही क्यों परहेज किया जा रहा है। ट्रेनों और बसों में खचाखच भीड़ देखी जा रही है, इसमें बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं। फिर केवल स्कूल जाने के लिए ही बस और वैन को मंजूरी नहीं मिलना समझ से परे है। वैन और बस वालों का व्यवसाय पहले ही चौपट हो चुका है। अब यदि अनुमति मिल जाए तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा वेतन वृद्धि का नया फार्मूला देने के बाद भी एसटी कर्मचारी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। नागपुर मंडल में शनिवार को भी हड़ताल जारी रही। कर्मचारी सरकार के फार्मूले पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि यात्रियों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा निलंबन की कार्रवाई का अल्टीमेटम देने के बाद कर्मचारी लौटने को तैयार नहीं है। इसी बीच शनिवार को नागपुर डिपो के 200 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इस तरह कुल 384 कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। करीब महीने भर से राज्य भर में एसटी कर्मचारी सरकारी विलीनीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट करीब 3 महीने में आएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी की जो भी रिपोर्ट उसे मान्य किया जाएगा, साथ ही वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन एसटी कर्मचारी विलीनीकरण के बिना मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को नागपुर मंडल के 8 डिपो के कुल 200 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इससे पहले 9 रोजंदारी कर्मियों को सेवा से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है
कि उन्हें वेतन वृद्धि नहीं बल्कि सरकार सेवा में शामिल किया जाए। लंबे समय से एसटी बंद होने से घाटा करोड़ों में पहुंच चुका है। अब सरकार 1 दिसंबर से स्कूल खोलने जा रही है। इस हालात में बस सेवा बंद रहने से छात्रों सहित शिक्षक व कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई है। कुछ इलाकों में एसटी ही आवागमन का एकमात्र साधन है, लेकिन वह भी बंद होने से ग्रामवासी लॉकडाउन जैसी स्थिति में जी रहे हैं। जरूरत का सामान खरीदने से लेकर अस्पतालों तक पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही है। सरकार ने वेतन वृद्धि के आयुध को अंतिम मानते हुए घोषणा तो कर दी, लेकिन अब अगला एक्शन क्या होगा इस बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। हड़ताल लंबी खींचे जाने की यह भी एक वजह बताई जा रही है। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।